नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। सालों से चली आ रही सुंदरपुर झामर बसंतपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क तथा मनोकामना प्रसिद्ध मंदिर भोलेनाथ मंदिर मनोकामना को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के निर्माण की मांग अब जोर पकड़ते जा रही है। आज दुर्गा पूजा के पहली पूजा के उपलक्ष्य पर भाजपा नेता मिलन सिंह के साथ मैं मोहम्मद मिट्ठू सड़क का जो है निरीक्षण कर रहे हैं झमाझम बारिश में। बिल्कुल पूरी तरह से सड़क जलमग्न हो गया है, बड़े बड़े सड़क में पड़े गड्ढे, पता नहीं किस दुर्घटना को अंजाम देंगे, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। देखना है कि स्थानीय प्रशासन इस वीडियो के उपरांत भी कितना जल्दी सचेष्ट होकर जन समस्याओं के प्रति जागरूक होता है। ये देखिए आने वाले लोगों का नजारा, सामने से ऑटो आती हुई दिखाई दे रही है, पता नहीं वो किस तरह से इसको पार करेगी। जरा वीडियो में इसको आप देखेंगे कि ऑटो किस तरह से यह गड्ढा पार कर निकलती है। बहुत समय पूर्व जब विधायक अमन कुमार यहाँ से चुनाव जीते थे तो उसी समय इसके कालीकरण की प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद से कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक इस सड़क के खेर में और इसके विकास की चिंता उनको नहीं हुई। आज जबकि दुर्गा मेला सामने है, आज पहली पूजा है, हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालुगण इस प्राचीन दुर्गा माता में दर्शन हेतु जाते हैं। और इस दुर्गा जी की ये खासियत है कि यहाँ के लोग इसे बड़ी माँ के नाम से जानते हैं और हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालुगण माताएं और बहनें किस तरह इस वैतरणी को, इस नर्क को पार कर दुर्गा माँ के दर्शन तक, मंदिर स्थल तक पहुँचेंगे, ये चिंता का विषय है। ताज्जुब है कि महेशराम पंचायत नामी गिरामी नेताओं से लैस, प्रखंड मुख्यालय से सटे हुए यह सड़क और नेताओं की एक लंबी फौज, बावजूद इसके आज तक इसमें कोई विकास का काम नहीं हुआ। स्थिति ये है, स्थिति इतनी नारकीय हो चुकी है और भयावह हो चुकी है कि किसी भी समय किसी भी तरह के दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता और संभव है कि आने वाले समय में दर्शनार्थियों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। मैं स्थानीय प्रशासन व नेताओं से यह आह्वान करता हूं कि यथाशीघ्र इस सड़क को मोटरेबल बनाया जाए ताकि दर्शनार्थी मेला स्थल तक जाने में निसंकोच आ जा सके।